बिग बाजार की तरह पूरा सजा रखा है, लेकिन रेट थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। आटा 5 किलो 209 का मिल रहा है, फॉर्च्यून का है, नेचर फ्रेश है, और उस साइड फिश और लैम की दुकानें हैं जो स्पेशल लग रही हैं लोगों को, तो वहाँ आके दिखाते हैं। ये फिश एंड लैम मार्केट उधर लगा रखा है, ये रॉ मीट मिल रहा है, इधर भी है कुछ। आ जाओ ये देखो, पता नहीं क्या भैया फैसिनेशन है लोगों को। ये देखिए भैया, 600 रुपये केजी दे रहे हैं, डीप फ्रीज करके रखा हुआ है इन लोगों ने। इधर रेड क्रैब है 400 रुपये केजी, इधर डॉटेड क्रैब है 430 रुपये, ये वाइट स्क्विड थाईलैंड में काफ़ी खाते हैं, जापान में भी लोग काफ़ी खाते हैं। ये आ गया प्रॉन्स, 700 रुपये केजी मिल रहा है, अच्छा बनता है इसका। ये आ गया मीडियम प्रॉन्स, ये 111 रुपये के जी, थोड़ा सा बड़ा है साइज में अगर आप देखें। ये वाला छोटा वाला प्रॉन है, ये और थोड़ा सिम्स है। हिंदुस्तान में सब खाने का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नॉर्थ में तो नहीं है सी फूड खाने का। और ये है सलमन फिश, सलमन फिश में आप देखो कि काट के काफ़ी बढ़िया रहता है, ये काफ़ी लंबी है। ये नॉर्मन सलमन है, उस साइड फिश फ्रेश थी, ये भी कटी हुई है, डीप फ्रीज करके रखा हुआ है और ऊपर से लाइट लगा रखी है। सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर अगर आप देखोगे, स्टीक है, सुरमे है, बेकती है, तो अच्छी तरीके से परोसा गया अगर मैं बताऊँगा तो, है ना, सारी फिश लगा रखी है ना। और ऊपर से मैं ड्राई वाली भी ले सकते हो, इधर से वो लगा रखा है। तो लोगों ने, नॉर्थ वाले लोगों की अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों के लिए एक थोड़ा सी फूड का वो है कि यार सी फूड देखने के लिए चलते हैं लुलु मॉल। तो ये भी एक भैया वो है, कुछ फिश इधर भी लगी हुई हैं, जो फोटोज लगी हुई कुछ, ये देखो, ये मॉल आके मछलियाँ देखने के लिए आए हैं। और हमको लगा था मछली की कोई इंस्टॉलेशन होगी, पता चला मछली यहाँ जो बिक रही है वो देखने आए हैं ये लोग। बताओ, और यहाँ केजी वेट स्केल है, इस पर डायरेक्ट रखो और तौल लो, देखो कितना है, 380 वाली, ये वाली यही लाता हूँ, 400 रुपये में काटे, ये कांटे वाली, ये नहीं पता खाली क्या। रोहू भी है 260 रुपये के जी, तो रेट थोड़े कम लग रहे हैं लोगों को यहाँ, आप जो बता रहे हैं रेट। इधर देखो पेंगुइन फिश 160 रुपये की, ये मुरे है, मुरे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है मुरे फिश यहाँ पर। ये घंटा थिपाला फिश सबसे सस्ती वाली मछली, ये थी यहाँ, तो सी फूड सारा लगा हुआ है भैया। और बैकग्राउंड की अच्छी फ़ोटो भी लगी हुई है, तो डिस्प्ले के मामले में तो बहुत बढ़िया है, रेट भी ठीक ठाक है। लेकिन अभी नॉर्थ इंडियंस को फिश खाने की ज़्यादा आदत है नहीं, अंटिल ने सब बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। इधर कुछ और फिश रोस्ट एंड पिकल, बेसिकली मसाले लगे हुए हैं यहाँ पे, ये टूना के टूना फिश का वो है, पिकल अचार बना रखा है। इधर प्रॉन्स हैं डीप फ्रीज करके रखे गए, इस साइड भी है, ड्राई फिशेज हैं सारी एक्चुअली में, जो पूरा लगा हुआ है आप देख सकते हो, लिखा भी है ड्राई फ्रेश या रॉ मैरिनेटेड है, सारा लगा हुआ है, तो लोग देख रहे हैं। तो लुलू मॉल के अंदर एक ये भी सेगमेंट है जो लोग देखने आते हैं भैया, शॉपिंग के अलावा फिशेस को देखने आते हैं। थैंक यू। रेडी, तो आज पापा को बताने जा रहे हैं कि इस वाली मछली से कैसे ऑर्डर करते हैं। मैं ये ऑप्शन आएगा ऑर्डर का, ऑर्डर किया, अभी पूछ रहा है खाना चाहते हो इसी यहाँ खाना है या ले जाना चाहते हो। ठीक है, तो ले जाने वाला ऑप्शन में बैग इसी भी बना हुआ है, तो मुझे अगर यहाँ खाना है तो मैं टिफिन करूँगा। टिफिन बोला उसमें अगर बर्गर चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए या मीठा चाहिए या आपको स्पाइस चाहिए क्या चाहिए, जो जो करोगे सारा आता जाएगा एक फोटो में। अब जैसे मान लिया मुझे बर्गर चाहिए, बर्गर में वेज वाला चाहिए, चिकन चाहिए, फिश वाला चाहिए, अंडे वाला चाहिए। मान लिया मैंने चिकन वाला बर्गर खाना है, चिकन में दबा, अब चिकन के 6 बर्गर हैं, ये बर्गर है इस साइड आके खाना, आप इस साइड 3 लिखा हुआ, 6 वाला बर्गर है, 6 बर्गर आगे चिकन वाला, उसमें प्राइस लिखा हुआ है, चिकन मैगजीन 85 का है, 85 से लेके 99 तक का। क्या मुझे वेज अगर खाना है, वेज वाले बर्गर ये 3 6 3 9,
जब मैं कॉलू की 47 का ही जस्ट आई नो बट जस्ट एक्सप्लेन टू माई डैड ठीक है। तो जो जो आपको खाना है आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करो ठीक है। मान ली मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और ये पूछ रहा है एक अकेला खाना है या कॉम्बो भी बना सकते हैं, तो मैंने सिंगल कर लिया यहाँ पे ऐड कर दिया ठीक है। आइटम ऐड कर दिया मैं नहीं कर पाऊंगा ऑर्डर करो मेरे पास तो भैया नहीं कर